राज्य के ट्रांसजेंडरों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। राज्य सरकार ने पहले ही ये नीतिगत निर्णय लिया था कि उनको उनकी नियुक्ति सेवाओं में की जाएगी, लेकिन कल गृह विभाग ने एक बड़ा आदेश जारी किया है। जो मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बैठक हुई थी, उस बैठक में ये निर्देश दिया गया है कि आने वाले जो बिहार पुलिस के वैकेंसीज हैं, उस वैकेंसी में ट्रांसजेंडरों की बहाली की जाए। आने वाला जो दरोगा की वैकेंसी है या दरोगा की जो बहाली है उसमें किया जाए। और इस पूरे मामले में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण बैठक हुई थी, जिसमें अपर मुख्य सचिव गृह विभाग के साथ साथ सभी बड़े अधिकारी मौजूद थे। और ये निर्देश दिया गया है कि आने वाले जो बिहार पुलिस की सेवा है, बिहार पुलिस की जो वैकेंसी है, उसमें 40 सीट मैं बार बार बता रहा हूँ, 40 सीट बिहार पुलिस में ट्रांसजेंडरों के लिए उनकी नियुक्ति की जाएगी। दरोगा के लिए 10 सीटों पर नियुक्ति की जाएगी। तो ये बड़ी खबर है इस समय, और गृह विभाग ने इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिया, सभी अधिकारियों को निर्देश दिया गया है। बिहार पुलिस सेवा चयन परिषद को निर्देश दिया गया है, साथ ही साथ बिहार पुलिस सेवा के चयन परिषद के साथ साथ DSSC को भी निर्देश दिया गया। और निर्देश जारी हो गया है, तो अब राज्य के जो ट्रांसजेंडर हैं वो लोगों की सुरक्षा करेंगे थाने में रहकर, लोगों की सुरक्षा करेंगे पुलिस लाइन में रहकर। और कहीं ना कहीं कहा यही जा सकता है कि नीतीश कुमार की सरकार का जो एक है कि सबको समान और सबका विकास, उस नीति पर सरकार चल रही है। और फिलहाल ट्रांसजेंडरों के लिए एक बड़ी, कह सकते हैं कि राहत की बात है कि अब वो राज्य में सिपाही या दरोगा सीधे बन सकेंगे। मुर्गुबालम, कशिश न्यूज, पटना।